हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। ये ठंड वाली ऐसी एवरग्रीन रेसिपी है जो शायद ही किसी को पसंद ना होगी। हर घर में ये बनाई जाती है, लेकिन हर घर में इसे बनाने के अलग तरीके हैं। हर किसी के हाथ का स्वाद अलग लगता है। आज हम बनाने वाले हैं मेरे तरीके से बैंगन का भरता। सबसे पहले बड़े वाले दो बैंगन लेने हैं, उसे थोड़ा सा नॉर्मल हमारे सब्जी वाला ऑयल लगा कर लेना है। इसके बीच में ऐसे कट कर देने हैं, उसमें हमें लहसुन की कलियां और दो से तीन हरी मिर्चें ऐसे डालनी है। अगर आपकी मिर्च ज्यादा तीखी हो तो दो का इस्तेमाल करें, कम तीखी हो तो तीन से चार आप यूज कर सकते हो। इस तरह से हमारे दोनों भी बैंगन रेडी हो चुके हैं गैस पर जाने के लिए। गैस के ऊपर इस तरह का तवा या जाली स्टील की रखनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो डायरेक्टली गैस की फ्लेम पर आप इसे सेक सकते हो। गैस की फ्लेम को लो टू हाई करते हुए इस तरह से सारी साइड से घुमा घुमा के इसे हमें सेकना है। साथ में मैंने यहाँ पर दो टमाटर को भी सेक लिया है। अगर आपको ज्यादा खटास पसंद नहीं है तो सिर्फ एक टमाटर का इस्तेमाल करें। जब टमाटर इस तरह से मैशी हो जाए तो उसे निकाल ले और अच्छे से ठंडा करें। साथ साथ हमारा बैंगन भी यहाँ पर अच्छे से सिक चुका है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सारी साइड से बैंगन को अच्छे से सेकना है, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। इसे निकाल कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा करें। बहुत लोग इसे वॉश करते हैं, लेकिन ये सेकने के बाद अगर आप बैंगन वॉश करेंगे तो उसका स्मोकी फ्लेवर चला जाएगा। तो इस तरह से हाथ से ही उसके जो ऊपर का छिलका है वो निकाल लेना है। मिर्ची भी हमारी अच्छे से अंदर की पक चुकी है। सारा छिलका निकालने के बाद दोनों बैंगन यहाँ पर मैंने डाले हैं और उन्हें इस तरह से चम्मच की सहायता से मैश कर लेना है। जब आपका बैंगन अच्छी तरह से फ्लेम के ऊपर पकेगा तभी इस तरह से मैश होगा। याद रखना है, बैंगन को हमें अच्छे से पकाना है। अब लगाएंगे तड़का। कढ़ाई में जाएगी थोड़ी सी राई और जीरा। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है बारीक कटा हुआ दो मीडियम साइज के प्याज। अच्छे से प्याज को भूनना है, प्याज को कच्चा नहीं रखना है, प्याज को ज्यादा भूनना है, तभी बैंगन के भरते का फ्लेवर अच्छा आता है। बहुत लोगों को प्याज थोड़ा सा कच्चा भी पसंद आता है, मैं थोड़ा सा ज्यादा भूनती हूँ। जो हमने टमाटर वहां पर सेक करके लिया था उसी को मैंने चॉप करके डाला है इस तरह से। अब जाएगी इसमें थोड़े से मसाले। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर डाली है, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपके स्वाद के अनुसार उसे डालें। जो हमने सेक कर मैश करके लिए हुए बैंगन, लहसुन और हरी मिर्च है उसे इसमें डाल दिया है। और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हो। बढ़िया सा मिक्स करके लेना है, ऊपर से हरा कटा हुआ धनिया डालकर इसे सजाए। आप चाहो तो हरी प्याज पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बढ़िया सा बैंगन का भरता रेडी है, गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।